गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। मैं पहले कहने लगा था आपको कि बायो वाले सर को बोल, फिर मैंने बोला मेरा अभी नया नया रिलेशन है कि जिस टीचर का टाइम हो ना उसको चेंज करना चाहिए। एनीवे कोई इशू नहीं है, अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी। अभी हमने करना है अपथ्रस्ट, बॉयंट फोर्स। बच्चों अगर हो सके तो माइक्रोफोन ऑफ कर लो, ये थोड़ा सा टॉपिक में चाहता हूँ मेरा बढ़िया रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं, उसमें आप पूछते रहना, फिर मैं ऑन भी करवा लूंगा अभी, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही करना है ना अभी। तो बताते हैं आज है 14। एक मिनट तो बच्चों ये लिक्विड है कोई, और अब ये बीच में लिक्विड एलिमेंट नहीं, हमने कोई सॉलिड बॉडी बीच में डुबो रखी है। अब सॉलिड बॉडी जब बीच में रखेंगे तो लिक्विड चारों तरफ से हिट करेगा उसको, है ना, और परपेंडिकुलरली। तो इट इज वेरी क्लियर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल लग रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना, एक ही लेवल पे। लेकिन जो वर्टिकल फोर्सेज है वो यहाँ पे प्रेशर कम है और ग्रेविटी है यहाँ पे, और जो F2 फोर्स है वो ज्यादा होगी बिकॉज प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ प्रेशर कम है, तो इस वजह से F2 is greater than F1। तो ये कौन फोर्स, लिक्विड ऊपर से लगा रहा है, लिक्विड नीचे से लगा रहा है। तो अप थ्रस्ट हम जो बोल देते हैं ना वो होता है F2 minus F1, नेट फोर्स बाय द लिक्विड इन द अपर डायरेक्शन।
रो यहां पे लिक्विड का, व्हाट इज एन टू एच हियर? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कि अगर बॉडी यहां ना होती, लिक्विड होता तो बॉडी को जब डाला था लिक्विड को साइड पे कर दिया उसने, तो इसी को हम बोल देते हैं. और AH is equal to volume of liquid displaced, right? तो अगर हम यहां लिखते हैं VL rho L, what is VL rho L? ml mass of liquid displaced. तो फास्ट फास्ट लिखते जाओ. तो अब थ्रस्ट बन गया हमारे पास ms into g, oh sorry ml into g. और ये क्या हुआ? वेट, वेट हो गया ऑफ किसका? लिक्विड डिस्प्लेस्ड. डिराइव मैंने क्यों करवाया? आपने तो प्लस वन के एग्जाम देने नहीं. डिराइव इसलिए ताकि हर कॉन्सेप्ट पता हो, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी नया क्वेश्चन बना डाले वो कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड ओवरऑल चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, ऊपर से भी लगा रहा है, नीचे से भी लगा रहा है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस को हम बोल देते हैं थ्रस्ट. एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वो याद हो जाना चाहिए. यस. मोशन ऑफ ए बॉडी इमर्स्ड इन ए नॉन विस्कस लिक्विड. तो ये हमारे पास लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो एल है और उसके अंदर हमने एक बॉडी ये कोई सॉलिड बॉडी और वी उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और रो एस इसकी क्या है डेंसिटी. वी बेशक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है पर यही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी यही है ना. अब ग्रेविटी है तो इस बॉडी से पूछे क्या क्या लग रहा है. एक इसका अपना मास होगा, बिल्कुल होगा. और अगर ये लिक्विड के अंदर ना होती, एयर के अंदर, वैसे तो एयर के अंदर भी लगती है, जस्ट पूछो वो भी बात बात करते हैं. मान लो वैक्यूम में होती तो वेट लगता नीचे चले जाते, लेकिन अभी लिक्विड के अंदर है, ग्रेविटी इसके अपनी मास की वजह से वेट तो लग रहा है, ये वेट है, वेट ऑफ बॉडी. उसके अलावा इसको अपथ्रस्ट भी लग रहा है, ये लिक्विड की नेट फोर्स है. ये कितनी होती है? वी रो एल जी. पहले मैंने एल पता है क्यों नहीं लिखा? जो लिक्विड डिस्प्लेस है वही वॉल्यूम बॉडी का है, इसलिए वी ही लिखा. और एमएसजी क्या है बेसिकली? वेट. इट इज वी रो एस इनटू जी, बिकॉज इसके बॉडी का मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सॉलिड की. एस और एल देख लो. अब क्या पॉसिबिलिटी है? ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन. दोनों की वैल्यू देखो सिमिलर है, सिर्फ रो एस की कहानी है. केस वन तो मैं यहां लेके चलता हूं.
केस वन रो एस इज ग्रेटर देन रो एल, ऐसे महसूस भी करो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन द लिक्विड, उस केस में व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन downward direction will have acceleration and acceleration will be how much shabash mujhe pata aapko pata hai bata dunga aap aur isse humne ratna bhi hai kuch shortcuts karenge f net is equal to mass into acceleration f net hai kitni niche ki taraf v rho s g माइनस वी रो एल जी, ये कितना आ गया वी रो एस ए वी रो एस जी माइनस वी रो एल जी, ए इज इक्वल टू वन माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी, इसको सर झुका के प्रणाम करो इस फॉर्मूले को, आंखें बंद करके इसको याद कर लो, ठीक है, मुझे भूल जाए अगर हम कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपसे पूछ तो आपने कहना सर ये फॉर्मूला टक से बताना, ठीक है, तो राइट। अब ऑफ कोर्स इसमें दूसरा पहले और करते हैं, सेकंड केस रो एस इज लेस देन रो एल यानी ऊपर को, ये मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा, सेम फॉर्मूला बन जाना है, सिर्फ ऑर्डर का फर्क पड़ जाना है। इस केस में ए विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन रो एस, ये डाउनवर्ड एंड ये अपवर्ड, रो एल इज इक्वल टू रो एस हुआ अगर, उस केस में एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी जीरो, लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब होते हैं ना, अगर बॉडी रेस्ट पे रखी तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, या अगर उसकी वेलोसिटी है तो क्या रहती है कांस्टेंट। एक छोटा सा एमसीक्यू बना हुआ है इस पे, इसी बात पे कि अगर कोई लिक्विड और आइडियल केस रो एल रो एस एंड इट इज गिवन, इंग्लिश में गिवन होगा ना कि कोई बॉडी सेम डेंसिटी की लिक्विड में रखी हुई है और कैसा उसको ना एक स्लाइट पुश दे दिया, स्लाइड का मतलब यहां पुश करके छोड़ दिया, पुश एंड रिलीज, व्हाट विल हैपन टू इट, वो पूछते हैं कि ये चलती रहेगी रुक जाएगी क्या होगा, और नॉन विस्कस लिक्विड है अगर, तो अगर उसको पुश कर दिया ना तो एक्सेलरेशन जीरो है, अब वो एक ग्रेविटी फ्री टाइप फीलिंग ले रही है चीज, दैट इज जिधर पुश किया था इट विल कीप ऑन मूविंग इन दैट डायरेक्शन अगर डेंसिटी इक्वल है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, और आइडियल लिक्विड है उस बोल देगा नॉन विस्कस है, विस्कस नहीं है तो कोई रुकावट नहीं आने वाली, तो विल कीप ऑन मूविंग, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं ये वाले पे, और इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन बनाने लगा हूं काइनेमेटिक्स का ध्यान से और आने लायक है, और शायद आपको टेस्ट में डाला हुआ था, आपने कर लिया था नहीं कर लिया था आई डोंट माइंड, मुझे तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, ये एयर देखो जी, एयर की भी डेंसिटी हो सकती है और एयर भी बॉइंट फोर्स दे सकती है, प्लीज गुड वेरी गुड, ये बेटा इसमें दोबारा बोलता हूं, इस पे फोकस करो, शाबाश, प्रोमिस इज इक्वल टू रो एल वो गिवन है, ये
एग्जांपल में गिवन है, राइट? रो एस इक्वल टू रो एल गिवन है एग्जांपल के अंदर, और हमने देखा कि जब रो एस इक्वल टू रो एल होना तो एक्सेलरेशन जीरो होती है, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी अगर वी हो तो कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में गिवन है कि बॉल इज पुश्ड एंड रिलीज्ड। रिलीज वाला वर्ड कभी पुश पद का दे दिया उसको थोड़ा सा, तो अब तुमने यस और नो करना है जब मैं पूरा बोल के चुकूंगा कि पुश कर दिया तो व्हाट कहता है, व्हाट शुड हैपन टू इट? इट शुड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, इट शुड कीप मूविंग। तो आंसर इसका है कि कीप मूविंग। क्यों? जब उसको पुश किया होगा तो कोई ना कोई इसको वेलोसिटी दे दी होगी, अगर वेलोसिटी दे दी तो जिधर भी थी ये बॉल उधर ही मूव करती जाएगी, अगर ऊपर भी पुश करते पुश करके छोड़ देते तो ऊपर को चलती रहती। अब बेटा लिख दो उसमें यस और नो, लिख दो लेकिन नॉर्मली अगर नहीं दी होगी तो और एयर बोल दे तो चुप रहना कि नहीं कोई वॉइड फोर्स नहीं। और यहां से एक बॉल को गिराया रोवेस एमएस, अब रोएस दिया है एमएस दिया है, कई बार ऐसे भी पंगे कर सकते ना, अगर रोएस दिया एमएस दिया तो वीएस वी तो पता ही है फिर, वैसे भी वी जब भी दिल करेगा निकाल लेंगे। कहते हैं इसको एच हाइट से रिलीज किया हमने और जी से, राइट? यहां पे तो व्हाट विल हैपन अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड की बाउंड्री है, और इसकी डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी टू रो है, राइट? और क्वेश्चन है टिल व्हाट डेप्थ द बॉल विल रीच, यहां एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री इट विल स्टॉप, और पहले तो सोचना है रुके ही क्यों, राइट? व्हाट विल हैपन कि यहां तक आते आते हम सबको पता है इसके अंदर जस्ट एंट्री मारने से पहले इसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी और वो कितनी आ चुकी होगी रूट टू जी एच। अब क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी टू रो है, तो इसको क्या मिलेगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन या अपवर्ड? ऑफ कोर्स लिक्विड की ज्यादा होने से दैट इज अपवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगी, यानी इसके अंदर जब ये आ चुका है इसको वी रो एल जी यानी कि वी इंटू टू री जी दैट इज टू टाइम रो जी, और अदर आप सीधा एक्सेलेशन ही निकाल सकते थे, क्यों करें ऐसा छोड़े? मैं आपको जो बोल रहा हूं कि रिटार्डेशन निकालो, यहां से निकाल दो सीधे रिटार्डेशन, आओ कितनी रोएल अपॉन रोएस माइनस वन इंटू जी टू रो अपॉन रो माइनस वन इंटू जी जी अपू। ये क्वेश्चन आसान हो गया बेसिकली, क्या आसान है इसमें, अगर आपको काइनेमेटिक्स आती है ना तो जितनी एक्सेलरेशन से आई थी उतनी से गई अगर तो डेप्थ सेम आएगी जितनी हाइट से गिरा, लेकिन मान लो छोटे बच्चे हैं तो क्योंकि जी की जगह कुछ और भी आ सकता था, जी बाय टू भी आ सकता था, थ्री जी बाय टू भी आ सकता था, डिपेंड्स। तो मान लो यहां तक रुकी आ गई और एच हाइट तक आई थी और ये एच डैश तक गई है, अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और ये वेलोसिटी निकालनी थी हमने, यहां बी से आते आते ये एरो ऊपर जाने का नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन का है, मोशन नीचे को है, वेलोसिटी इसकी नीचे को है, यहां आते आते बी डैश कितना हो गया जीरो। तो अगर मैं इसे ए टू बी मोशन बोलूं, इसे बी टू सी बोलूं, तो बी टू सी में बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू ए एस, इट इज जीरो स्क्वायर माइनस रूट टू जी एच, मैं प्लस सॉरी टू जी इंटू
एच डैश, क्यों ए को मैंने नेगेटिव क्यों पुट किया, आप बड़े बच्चे हो पता ही आपको, यहां पे लिखा हुआ। तो यहां से इसका स्क्वायर आ जाएगा 2gh is 2gh dash। तो क्यों ना हम इसका इसमें से शॉर्टकट ज्यादा बुरे होते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन फायदा ले लें। प्लीज फॉलोइंग फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ लो वरना टाइम वेस्ट होगा। और भी दो तीन जगह पे जब भी मैं आपको बोलूंगा से याद कर लेना, तो समझो तीन चार जगह पे कम से कम आना ही है, फ्री स्कीम होगी उसके साथ पे। तो क्यों ना यहां से उठाए जी की जगह पे ए होना था, एक इसे रट लें फॉर्मूले को, वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू जी एच का स्क्वायर माइनस टू ए एच डैश। तो ये जीरो होना हमेशा ही, टू जी एच मैं क्या बना रहा हूं कोशिश करना समझने की, तो एच डैश इज इक्वल टू जी बाय ए टू एच। आप समझ रहे हैं मैंने यहां पे इसे जनरल फॉर्मूला रख दिया और इसको अभी ए ही रहने दिया, अभी ए की वैल्यू पुट नहीं करी। तो मैंने अगर आप इसको ध्यान से देख लोगे प्यार से, अच्छा तू ये है, तो आप मुझे पता है बायो के बच्चे आप क्रैमिंग करने में शेर होते हो, तो ये भी एक मेमोरी मैप बना सकते हो। राइट नेक्स्ट, तो आपको पता है मैं चैट के देखता रहता हूँ कैसे आता ना, तो जब मर्जी जो मर्जी लिखो उसको, मुश्किल आए तो वरना मुझे चलते रहने। सिमिलरली उल्टी एग्जांपल हो सकती है कि बॉडी को यहां छोड़ा तो ये भागती यहां तक आएगी, फिर उसके बाद ग्रेविटी की वजह से ऊपर रुक जाएगी जाके। तो मैं इतनी एग्जांपल्स नहीं करवाऊंगा, मुझे बता आप संभालोगे, फिर टेस्ट में क्वेश्चन डालूंगा कुछ और में। अब ना प्लस टू का इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओ आई एम सॉरी रियल सॉरी, तो यहां पे मैं थोड़ा सा कई बार फास्ट बता देता हूं, मुझे पता है इस बात का। क्रैश कोर्स का चक्कर है ना, यू जीरो यहां भी यहां एच, तो सिर्फ डायग्राम बना दो। ये ना ये कह रहे हो? हाँ जी सर। ये भी संभालो, ओके। अब हम यस मैं आपको ले जा रहा था प्लस टू में वापस। तो प्लस टू में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है आपको क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, यानी कि ये है कि अगर आपको वो ए वाला फॉर्मूला याद है 1-rho/rho, तो कितना बेनिफिट है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम वाज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस इन मीडियम। वैक्यूम तो ये मानते हो कि आपको एकदम से जल्दी जल्दी में ना याद आ रहा हो तो मेरे कि कहां कहां ले गया ना मैं, और यहां अगर कोई मीडियम पड़ा हुआ है तो इन दोनों की रेशो को डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है कि क्यू और हमें पता है यहां पे एफ एम जी, यहां पे एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर टेंशन होती है और यहाँ थीटा होता है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। तो बच्चों ने आमतौर पे याद ही किया होता है
नहीं याद भी, अगर याद किया क्या उसे याद हो जाता है। टी कॉस थीटा इज एम जी एंड एफ ई अपॉन एम जी इज टेन थीटा। ठीक है, एक बात मैं और नियत तो कर दू। दूसरा बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले मैं वापस जा रहा हूं वहां पे। जो लिक्विड के अंदर जो ए मिलती है उसको कितनी मिलती है, यानी कि अगर रो एस ग्रेटर देन रो एल हो तो दैट इज वन माइनस रो एल अपॉन रो एस अपॉन रो एल इंटू जी। इसको हम जी डैश बोल देते हैं, फेयर इनफ है, क्योंकि लिक्विड में रहने वाली चीजों को अब नेट एक्सेलरेशन जी तो महसूस हो रही नहीं, ये ए महसूस हो रही है, तो इसे हम जी डैश बोल देते हैं। एपरेंट जी उसको महसूस होती है, यानी जहां पे भी नेट फोर्स देनी होगी तो एम जी की जगह पे एम जी डैश करेंगे, और अगर ये जी डैश सीधा यूज कर लिया तो कुछ और यूज नहीं करना। तो अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है कि, और ये सिचुएशन है और अभी ये एयर में है, एज ए टोल्ड यू एयर को वैक्यूम में लेके चलते हैं मोस्टली। कहता है इसको किसी लिक्विड में डुबो दिया, और इन बॉल्स की बॉयलर को डेंसिटी है, ठीक है, रोएस जो स्फेरिकल बॉल्स हैं इनकी बॉयलर को डेंसिटी है रोएस। तो इस सारे के सारे पैटर्न को उन्होंने सारे सिस्टम को लिक्विड में डुबो दिया। कहता कोई बाई चांस ऐसा लिक्विड मिला कि थीटा चेंज नहीं हो। अब लिक्विड की दो दो प्रॉपर्टी पता लीजिए, एक तो लिक्विड की कोई ना कोई डेंसिटी गिवन होगी और एक लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो कहता है कि ऐसा किया, और क्वेश्चन का पार्ट है ये, और गिवन थीटा मीन्स कॉन्स्टेंट, तो फिर वो पूछेगा व्हाट इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्वेश्चन, सभी बुक्स में आपको मिल जाएगा, और ये भी गिवन है और रोएस भी गिवन है। अब हमने कहा अच्छा ये बात है, तो शॉर्टकट क्या है कि अब एफ ई की जगह पे कौन आ गई है, एफ ई डैश मीडियम वाली फोर्स आ गई, दोनों बीच में लिक्विड आ गया। अब अगर हम शॉर्टकट ना सोचें तो दिमाग खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा, बता दू क्या, यहां बी रोएस जी लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट फोर्स लगानी पड़ेगी, टेंशन भी लगानी पड़ेगी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा एम जी डैश लगाने लगे। अब दिल में पता है व्हाट इज जी डैश, कहां गया जी डैश, मैंने वहां मिटा दिया। तो अब यहां टी डैश होगा, टी डैश भी होगा, बिकॉज सारी बदल गई तो वही टी पर भगवान जाने क्या होगा, चाहे एंगल सेम रहा है तो इंडिविजुअल क्वांटिटी सेम नहीं है, लेकिन उनका रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा कि सेम हो जाए। टी डैश का इधर क्या आ गया बोलो, टी डैश कॉस थीटा, टी डैश साइन थीटा, लो T dash sin theta is F dash। इसमें भी इस क्वेश्चन को करते हुए आपने कुछ क्रैमिंग करनी है, अपने आप ही हो जानी क्रैम, ये वाला फिगर धीरे धीरे, राइट। तो ताकि फिर ये क्वेश्चन 45 सेकंड के अंदर 30-45 सेकंड के अंदर हो जाएगा, वरना नहीं। T dash cos theta is mg dash और tan theta is F dash upon mg dash। अच्छा बच्चों, अगर लेवल टू क्वेश्चन करना हो, मान लो एक मिनट के लिए कि वो बोले एंगल सेम नहीं रहा, तो एंगल सेम नहीं रहा तो थीटा की जगह भी थीटा डैश आ जाएगा उस केस में, राइट। लेकिन इस केस में एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन का पंगा भी है, अगर सेम नहीं रहा तो नीट का लेवल नहीं रहना, वो हो जाना है, बिकॉज अगर थीटा सेम ना रहा तो डिस्टेंस चेंज हो जाना है। जबकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए क्या डेफिनेशन है, कभी भी फोर्सेस को माप दो या दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम, दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम, क्या बोलते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट में, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द रेशियो बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम एट द सेम डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस सेम है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एफ ई अपॉन एम जी टेन थीटा, तो एफ ई डैश अपॉन एम जी डैश भी टेन थीटा, इक्वेट करते हैं। चलो लिखो, आप लिख रहे हो मुझे पता है, अब लिख के अपने आप करके बताओ क्या क्या आएगा,
जी डैश को क्या पुट करोगे और उसको क्या पुट करोगे एफ ई अपॉन उसको और पहली वाली फोर्स कौन सी थी वैक्यूम की दूसरी कौन सी है मीडियम की तो क्या मिल गया मुझे ये के आ गया लो और ये कौन आ गया वन माइनस रूएस अपॉन रूलर अब मैं आपको क्या बताऊं बच्चे इसको भी याद कर लेते हैं आप जैसे रूएल अपॉन रूएस है ना क्वेश्चन का आंसर ये आता ऑलमोस्ट लेकिन ऐसे नहीं सिचुएशन समझ के और ऐसा नहीं कि हमने एक आंसर याद करने के लिए किया है हमने आपने देखा होगा बहुत सारी बातें मेरी बात याद रखो मिश्रा जब भी स्टेप चल रहे होते हैं तो हर स्टेप को अब्सॉर्ब करते जाओ वही क्वेश्चन हो सकता है कॉन्सेप्ट चलो अज्यूम करो अपने रोवेस गिवन होगा रोवेल गिवन होगा के की वैल्यू वैल्यू भी आ जाएगी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गुड ये था उस फॉर्मूले के बारे में अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल दो तीन बातें हैं इस पे लिख करने वाले एक एक्सेल लिक्विड होगा यस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले एक दो एग्जांपल दो आप तैयार आना करने को ठीक है कि हम सबको करके बताते हैं आप कर रहे हो ठीक है तो मतलब अभी जो लेटेस्ट किया उसके कोई लेना देना नहीं है लेना देना क्या होगा इसके ऊपर टेंशन लग रही है वेट लग रहा है बॉयंट फोर्स भी लग रही होगी
एग्जाम में करना होगा, इतना लंबा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मेन बात तो थी वी चाहिए था, वी आप निकाल लेते, कैसे निकालते, एम एस अपॉन रो एस करके, शाबाश। इसी लिक्विड के मतलब बॉटम पे बॉल बदी हुई है। यह सच नहीं, दोनों बिठा दो स्पीकर। सर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, सर इसमें डेंसिटी में फर्क है तो उसमें फिर एक्सेलरेशन नहीं आएगी? ना ना बेटा, ये बता हुआ ना इसके, ये देख, ये लड़की कुछ नहीं है ना, ये इसके साथ एक्सेलरेशन आनी थी, लेकिन ये टेंशन लगी ना, स्ट्रिंग आ गया ना बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैंने सोचा मैं ड्राइंग में समझ दिया, क्लियर हाँ। और स्ट्रिंग ने पकड़ रखा इसको, वरना तो गिरता वो। अभी उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ भी डेंसिटी में फर्क है, ये देख, सॉलिड की गम है, लिक्विड की ज्यादा है, ऊपर को भागेगा, लिक्विड की ज्यादा सॉलिड गम है तो, लेकिन हमने सब बांध दिया, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है तो ये आज अपने आप करोगे, अभी नहीं करोगे, बीच में जब टाइम मिले तब कर लेना, हम आगे चलते हैं, मेरी क्लास के बाद कर लेना, मुझसे आंसर मैच करवा देना, तो हम क्रैश कोर्स का थोड़ा फायदा उठाते हैं। ये हो गया, अच्छा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर टू द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर। क्या लिखा है, डोंट वरी, हर चीज का मतलब समझाऊंगा मैं। कहता है रिलेटिव डेंसिटी आपको पता ऑलरेडी, डेंसिटी ऑफ जो भी बॉडी की हो अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर, जो सॉलिड है तो ये हो गया। फिलहाल टर्म्स, व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर, व्हाट इज लॉस ऑफ वेट, इनकी बातें करते हैं, ठीक है। आप चीजें ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, और इस बॉडी को अगर हम ऐसे एयर में रखा हुआ है, ये कोई ना कोई रीडिंग देगा ना, इस बॉडी का कोई ना कोई वेट देगा, बिल्कुल देगा, तो उसको हमने नाम दे दिया वेट ऑफ बॉडी इन एयर। कुछ तो बोलेगा इतने न्यूटन इतने न्यूटन। अब हमने इसी बॉडी को एक्सक्यूज मी, वॉटर में रख दिया। अब आप समझो ये जो रीडिंग देगा
डब्ल्यू ए डैश देगा और डब्ल्यू डैश देगा, सेम रीडिंग तो नहीं देगा बिकॉज अब इसको साथ में कौन लग रहा है, एक अपथ्रस्ट, राइट। तो वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर, तो मुझे बताना लॉस ऑफ वेट कितना होगा, लॉस किसकी वजह से हुआ है, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट ना लगता तो ये भी डब्ल्यू ए पड़ता, अगर इसको हम कर देंगे तो लॉस ऑफ वेट इज बेसिकली वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, एयर में ज्यादा था उसमें कम हो गया होगा और कितना लॉस है वो अपथ्रस्ट के बराबर। इसको 30 सेकंड ले लो आराम से समझो क्या बोला है मैंने, तो कुछ ना पता चले तो जरूर पूछ दो। अब हम प्रूव करें इसको, अगर वेट इन एयर, ये वर्ड पढ़ना, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, और ये क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर, मतलब वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस डब्ल्यू डैश, यानी कि वेट इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट। बीच में पॉज ले रहा हूं मैं, इस बॉडी का अगर वॉल्यूम वी हुआ, डेंसिटी रो एस वी, और इसकी डेंसिटी रो वाटर हुई, व्हाट विल बी वेट, वेट विल बी रो एस जी, वॉल्यूम into density of solid into g. What will be our thrust? V rho water g. लो आगे बात, relative density. तो up thrust is equal to weight of water displaced. तो Archimedes के बारे में बच्चों कहा जाता है कि उसने ये method अपनाया था, उसने क्या किया, उसने एक ऐसा कंटेनर लिया था जो पूरा भरा हुआ था, राइट, वो आगे कहीं चला जाएगा, तो जैसे बॉडी को डाला तो वाटर बाहर को गिर गया, तो उसका वॉल्यूम भी वो मेजर कर सकते हैं, उससे बॉडी का वॉल्यूम आ गया, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होगी ना अगर, तो बॉडी को बीच में डालेंगे तो अगर ये कंटेनर खाली था तो खाली मतलब सॉरी पूरा भरा हुआ था तो वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा और उसको यहां इकट्ठा कर लेंगे वाटर को, तो वो भी इसका मापने का तरीका है। मैंने इसलिए बताया कई बार क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखना दे कितना पानी नीचे चला गया, जो नीचे चला गया वही वेट ऑफ, वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, राइट। तो अब आपने याद क्या करना है बताओ, क्वेश्चन क्या आना आपको, क्वेश्चन आना आपको ये, और बात ध्यान दो, रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉटर आई है क्योंकि हमने वॉटर में डाला है, सॉलिड अपॉन वॉटर, कल को किसी और लिक्विड में डालेंगे तो सॉलिड अपॉन लिक्विड, दो तीन एग्जांपल्स कर रहे हैं आराम से। अब तो याद आएगा तो फॉर्मेलिटी है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज 14 न्यूटन, वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर इज 30 न्यूटन, तो वॉट इज द रिलेटिव डेंसिटी, तो ये बेसिकली कौन हुआ, डब्ल्यू ए और ये डब्ल्यू डैश, फोर्टी माइनस थर्टी इज इक्वल टू फोर, फोर उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ गई।
अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिक्विड्स के बेस पे। डब्ल्यू ए इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर, डब्ल्यू वन इज वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन। आराम से पढ़ो, मैं स्पीड कम कर रहा हूं अभी। तो रो वन किसकी डेंसिटी है? किसी एक लिक्विड की, उसके अंदर ही वाटर है। एंड डब्ल्यू टू ये आने लायक क्वेश्चन है नीट में एज इट इज, मतलब वैल्यूज वगैरह चेंज करके। वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू, राइट? व्हाट इज रो वन अपॉन रो टू? अच्छा, पेपर में आपको तीन तीन चीजें गिवन होंगी कि एक एयर में 40 न्यूटन है, एक में 30 न्यूटन है, एक में 20 न्यूटन है। तो उन लिक्विड्स की डेंसिटी बताओ, रेशियो। चलो, मेरे कुछ लिखने से पहले आप लिखना शुरू करो कुछ और। यहाँ यहाँ क्लू छुपा हुआ है ना, तो मैं आपको टाइम देता हूँ, पानी का घूम फूर लेता हूँ। ये डेंसिटी सॉलिड अपॉन वाटर, वाटर या लिक्विड है ये। ऐसी इक्वेशंस कितनी बार आनी है? दो बार, दो दो बार। देखो, तो आप मेरे पे ना वेट करो, मेरी वेट ना करो। पर मैं भी रहा हूं, लेकिन आप भी देखना नहीं है ना, आप अपनी कॉपी भी देख रहे हो और इधर देख रहे हो। क्यों ऐसा कह रहा हूं? आपको बेनिफिट होगा, डबल फायदा हो जाएगा ना। मैंने कर दिया, लेकिन मान के चलो ये क्वेश्चन आ जाना इस बार रेट पे, ठीक है? चले अभी, शाबाश। वैल्यूज इमेजिन कर लो, 30 40 40 30, ये वो। आइडिया, तो मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू लेके चलता हूं। अब थ्रस्ट है क्या? फोर्सेस का डिफरेंस है ना, आ जाके। तो ये बॉडी है, अगर यहां पे हम जो भी लेके चले, तो मैं सीधा ही F2, F1, लेकिन मुझे लगता है सूडो फोर्स का चक्कर लगाना पड़ जाएगा हमें, बिकॉज ये थोड़ा सा सूडो फोर्स के लिए करना पड़ेगा। V रो L इनटू G प्लस A। पहले मार्शल लिखाता हूँ, बच्चों डेरिवेटिव कर सकते हैं।
इसमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाना पड़ जाना है, तो जो आपको ऑलरेडी कम आता है लेकिन मैं बोल देता हूं एक बार, हाँ करवा के करूंगा सूडो फोर्स। ठीक, अब फिलहाल फिर मुझे मजा नहीं आना जैसे आपने बताया हुआ, तो इसको फिलहाल हम ऐसा करते हैं, याद ही करो कि, और याद क्या है कि ये ग्रेविटी तो लगनी थी पीछे को, और जिधर को एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट आपने एक्सेलरेशन लगा देनी है, जो मैंने कल थोड़ा बहुत पढ़ाया था कल यानी परसों क्लास में, तो उसका आइडिया ले लो। अगर ऊपर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो जी प्लस ए हो जाना है, अगर एक्सेलरेट नीचे हो रहा होता तो जी माइनस ए हो जाएगा। तो आप इतना याद करो, लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट के फॉर्मूले याद थे ना, फिलहाल आप वो कर लो। ठीक है, तो यानी कि जब मैं सूडो फोर्स कराऊंगा तो इसको मैं डिराइव भी करवा सकता हूँ, अभी करवाने का फिर टाइम वेस्ट होगा। तो फिलहाल एक्सेलरेटेड लिक्विड में अगर अपवर्ड एक्सेलरेट है तो वी रो एल जी प्लस ए, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट है तो रो वी रो एल जी माइनस ए, ये आपने याद करना। अब है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्लोटेशन, अगर कोई बॉडी की डेंसिटी कम हो लिक्विड से तो वो ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, कभी ना कभी सरफेस पे आ जाएगी। अब सरफेस पे आके क्या करेगी, वो जंप भी कर सकती है लेकिन अल्टीमेटली मान लो वो फ्लोट कर रही है। जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है वो लिक्विड पे, उसका कुछ पोर्शन अंदर रहना जरूरी है। आपको कभी ऐसी बॉडी फ्लोट करती नहीं मिलेगी ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, उसका चाहे थोड़ा सा पोर्शन है नीचे सिंक करे जितना मर्जी उसे सिंक करना पड़ेगा। तो लेकिन डिफरेंट डेंसिटी का डिफरेंट सिंक करता है, कम डेंसिटी वालों का ज्यादा, जो भी वो अभी सामने आ जाना है कि फ्रैक्शन सिंक करती है, राइट। तो इस वाले केस में अब हमें पता है ये बॉडी सॉलिड है तो किसमें है इस वक्त, इक्विलिब्रियम में, तो इसकी अपनी डेंसिटी होगी, इसको अपना एमएसजी लग रहा होगा। अगर मैं वी सारा वॉल्यूम ले लू, वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिया मैंने वी, तो उसका वेट होगा नीचे को, ये वी रो एस टी के अंदर क्या है बोलो, वी और रो एस के अंदर उसका मास आ गया सारा वेट, वेट ऑफ बॉडी। अच्छा, इसका जो पोर्शन सिंक के अंदर ये इनसाइड, अब आप ये समझो जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो सिर्फ उसकी वजह से है जितना बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है, इसकी मैंने किसका नाम लिखा इंग्लिश में, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड, तो इसकी वजह से, और ये रो एल है और ऊपर को अब थ्रस्ट लग रहा है वी आई रो एल जी, कोई डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है ना, अब समझ लो लिक्विड की डेंसिटी कम है, सॉरी सॉलिड की कम है लिक्विड की ज्यादा है, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये पढ़ लो मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड भी बोल देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड टू द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ गया। अगर ये बॉडी सिमेट्रिकल है, एक काम और करते हैं आउटसाइड का भी देखो, वॉल्यूम आउटसाइड अपॉन टोटल, आराम से कई बार मेरी स्पीड चेंज होती है ठीक कर लूंगा। तो फ्रैक्शन आउटसाइड क्या हो, आउटसाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, लेकिन आउटसाइड का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल में से इनसाइड को माइनस कर देंगे तो वन माइनस वी ए कौन आ गया, मैथमेटिकल भी बन गया कुछ याद भी रह जाएगा।
फ्रैक्शन इनसाइड पता है अगर, तो फ्रैक्शन आउटसाइड अपने आप आ जाएगी, 1 माइनस फ्रैक्शन इनसाइड। ओके ध्यान से देखते रहना, अगर ये सिमेट्रिकल बॉडी है ना, सिलेंड्रिकल टाइप या क्यूबॉइड, पर टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, इसकी हाइट माप सकते हैं जिसकी हम, तो इसकी दो तरह की हाइट में हमारा इंटरेस्ट होगा। एक कौन सी, जो टोटल हाइट है। अब ये जो फॉर्मूला अगर मैंने लगा हूं, ये शॉर्टकट के जरिए, ये फॉर्मूला अगर याद रह गया आपको, जैसे ये याद रहेगा और इसका भाई बनने वाला है वो भी याद रह गया, तो ऑसिलेशन में क्वेश्चन बनेगा, जाके हिसाब करो कि ये बॉडी ऑसिलेट करेगी, तो फॉर्मूला शॉर्टकट याद करवा दूंगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे, आज ही करवा दूंगा। दोनों के दिल से नाम बोलो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ये टोटल हाइट ऑफ बॉडी है और ये हाइट ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम है, और अगर इसका एरिया हमें पता है, तो v इनसाइड अपॉन टोटल v, v इनसाइड का मतलब क्या होगा, ये v इनसाइड, दिस विल दिस एरिया इनटू दिस h, और टोटल v क्या होगा, दिस एरिया इनटू बड़ा h। ओ तो कहता vi इज इक्वल अपॉन v h अपॉन h, ये क्या चीज थी, rho s अपॉन होगा। एक तो ये क्वेश्चन होगा इंडिपेंडेंट, एम्स का एक पुराना क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट है, वो आप अपने आप करोगे, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, यानी कि आपके पास बुक्स भी होंगे, पुराने क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, नहीं होंगे तो मैंने करनी है। तो ये अभी फ्रैक्शन ऑफ हाइट, राइट। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा था आज ही बता देता हूँ, क्योंकि वो मैंने ग्रह नहीं करवाना है, डायरेक्ट तो वो होना नहीं। ऑसिलेशन में ना क्वेश्चन आएगा तब आपको, कि ऐसे एक सिलेंडर है और उसकी पता नहीं क्या क्या गिवन होगा, राइट, और कुछ चीजें इधर उधर की गिवन होगी तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको कहते हैं अगर हम डिस्प्लेस करें ना नीचे को, तो याद होगा ये क्या करती है, ऑसिलेशन, ठीक है, सुना है नहीं सुना, ऑसिलेशन में दोबारा बताऊंगा। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला की बात होती है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला में टेढ़ा मेढ़ा होता है इसका, लेकिन वन ऑफ द ऑप्शन बड़ी इजी होती है, वो होती है ये वाली ऑप्शन, मतलब वन ऑफ द वेरिएशन चीजें करने के बाद, प्राइमरी फॉर्मूला कुछ आ रहा था जब हम डेरिवेशन करते हैं तो, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके ये आ जाता है, तो ये फॉर्मूला याद करना आसान है, आपको दिख रहा है क्यों आसान है, कि सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले से मिल रहा है, लेकिन सिंपल पेंडुलम के मुकाबले में ये वाला जो हाइट एंड साइड है। अब इसके जरिए हम, अगर आपको दूसरे फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई और होंगे तो नहीं याद, तो इसके जरिए कौन सकते हैं, ये तो हमने याद करना ही था, और याद भी क्या, आप समझ भी रहे हो कि ऐसा एकदम क्रैम वाली बात भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो बच्चे जो कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले याद करते हैं ना, बिल्कुल सुखे याद करोगे फॉर्मूले तो बेवकूफी है, मैं आपको देखो क्रैश कोर्स होते हुए भी कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ड्राई याद करोगे तो डेंजरस है कि वो याद आया नहीं आया, तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे सब कुछ, तो ये अगर याद हो चुका है क्वेश्चन करे हुए हमने, तो एच को आप क्या पुट कर सकते हो, रो एस अपॉन रो एल इनटू व्हाट, एच, एक ये फॉर्मेशन दूंगी, राइट। तो और क्या,
इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये फ्लोट कर रहा है और रो एल है राइट, वुडन ब्लॉक है फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है तो इसके वेट को संभालने के लिए जितना इनसाइड है, जाना तो वो जा चुका ना, वो क्या रहा होगा इनसाइड वाला इसको अब थ्रस्ट दे रहा होगा और मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी, इसको समझो मुझे पता आपको वैसे पता चल जाना लेकिन जानबूझ के बोल रहा हूँ, तो जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है उसकी पॉइंट फोर्स उसके जो ब्लॉक है उसके सारे वेट को संभाल रही है, तो अगर इसके ऊपर कोई इंसान खड़ा हो जाए आपके क्वेश्चन आएगा, कोई पत्थर रख दे कोई कुछ भी रख दे जिसका मास है उसकी वजह से ये नीचे डूबेगा, सिंक होगा ना, आमतौर पे आपसे ये पूछा जा सकता है तो कितना सिंक होगा और गिवन आपको ये एरिया गिवन होगा, इसका एरिया नहीं गिवन होगा तो वो स्क्वायर बना के बता देगा साइड गिवन है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है। अब ये एक्स कैसे बता दे, हमने कहना है ये जो एडिशनल वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ये किसके किसको संभालने के लिए हुआ है, एमजी को, जो ऑलरेडी वॉल्यूम था वो तो संभाल रहा था ब्लॉक को, तो फिर हमने कहना है जो नया mg आप लेके आए हो ना डेल्टा v रो l इनटू g, इंग्लिश बोलो, वेट ऑफ द जो नया ब्लॉक रखा है इज इक्वल टू वेट ऑफ एडिशनल लिक्विड डिस्प्लेस्ड या एडिशनल पॉइंट फोर्स एडिशनल वॉल्यूम, ये एडिशनल वॉल्यूम कितना होगा कि अगर आपको एरिया पता होगा ये वाला जो मैं यहां भी बना सकता हूं, इस क्वेश्चन से बात ही कर लेना बच्चों, ये हूब हूब आ सकता है और आईआईटी का पुराना क्वेश्चन दीजिए, स्क्वायर बेस दिया हुआ था यहाँ पे 10 into 10 दिया हुआ था, यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ठीक है जी, तो ये हो गया। अगले दो तीन क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाले हैं, उसमें दो अप्रोच से काम करेंगे हम, एक तो याद कर लेना है बड़े सिंपल है बता दूंगा आपको, नॉन इंट्यूटिव है ऑपोजिट टू इंट्यूशन है, तो फिर मैं समझाऊंगा भी उसके बाद भी बच्चों ऐसा होगा इसलिए वो मतलब वो क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज विनर्स को भी बताएंगे तो जल्दी में 3 नोबेल प्राइज विनर्स फिजिक्स के गलत आंसर दे चुके हैं, तो एक एग्जाम्पल है कि लेक है उसमें बोट है, बोट के अंदर स्टोन है राइट, स्टोन्स अनलोडेड इनटू द लेक, तो लेवल ऑफ लेक यस टाइप करो क्या आना चाहिए, will fall या rise या no change, शाबाश।
बताओ तुम क्या आंसर है, चैट में लिखो। नो चेंज, गुड। दमन आपके अकॉर्डिंग भी तो आंसर है फॉल। अब होल्ड करो, पहले तैयार करो, करो ठीक है। अच्छा नहीं तो स्टोन है, स्टोन डूब जाएंगे है ना, तो इसका आंसर है फॉल। अगर वो फ्लोटिंग चीज होती है ना, फ्लोटिंग मतलब कोई कॉर्क पड़े होते इसके अंदर, वहां कॉर्क करते अनलोड करते तो कॉर्क तैरते रह जाते। ये दोनों याद करें मेरे कहने पे आपने पहले बातें। तो अगर तो डूबने वाली चीज है तो फॉल है, अगर तैरने वाली चीज है जो अपने आप ही तैर जाती है तो नो चेंज है आंसर। ठीक है आंसर नोट किया आपने। अब मुझे भी थोड़ा सा दो तरीके हैं, एक कंसेप्चुअल और एक मैथमेटिकल, उससे ज्यादा यार बड़े ध्यान से सुनो कि लेक में बोट तैर रही है, उसने बोट तैर रही है तो उसने अपना वेट जो भी डिस्प्लेस कराना था करा रखा है, अपने वेट को बैलेंस करवा रखा है ना कोई ना कोई यहाँ पे। अब अगर स्टोन रखेंगे इसके ऊपर, एक स्टोन रख दो, नेचुरली ये बोट नीचे आ जाएगी थोड़ी, और बोट नीचे आने से कोई ना कोई वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा ना, तो वॉल्यूम तो एक मतलब नया लेवल आ चुका होगा जो भी आना होगा। तो मैं इनिशियल की बात ना करके फाइनल लेवल की बात करता हूं, जो मैंने बनाया मिटाया ड्रॉन बली। तो ये मैं रुकता हूं, स्टोन ऊपर तैर रहा है, अगर स्टोन का एमएसडी, तो स्टोन की वजह से इसके थ्रू कोई ना कोई वॉल्यूम जो बैलेंस हुआ हुआ है रो वन इंटू थ्री राइट, और V यहां पे कौन है इस वक्त, V1 पता किसको बोल दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कब, व्हेन स्टोन इन बोट, तो ये वॉल्यूम किसको डिस्प्लेस करवा रहा है, इस फोर्स ने पूरे वेट को संभाल रखा है उसके, किसके, स्टोन के। आओ मेरे साथ, रो एल इंटू जी एम एस इंटू जी, बी वन इज एम एस अपॉन रो एल राइट, हो गया। अब ना स्टोन को निकाल के पानी में फेंक दिया, और पानी में डालेंगे तो तैरेगा तो है नहीं, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था वापस आ जाएगा वो राइट, वापस आ गया। अब नए सिरे से जब डूबा तो अब ये जो डिस्प्लेस कराएगा, क्योंकि अभी डूब गया, अब ये अल्टीमेटली नीचे बैठ गया, अब इसके वेट को संभालने वाला कोई नहीं है, लेकिन इससे पानी को डिस्प्लेस करवाया, पानी कितना डिस्प्लेस कराया उसने अपने वॉल्यूम के बराबर, जब वो तैर रहा था तो अपने वॉल्यूम के बराबर नहीं, तब अपना मास और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस करवाया था। अब जब अंदर घुस गया तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना इसका, एम एस अपॉन रो एस, तो दोनों टाइम पे सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं करवा रहा था, जब वो शिप बोर्ड के अंदर था तो अपने वेट के बराबर राइट। तो अब ये कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करो, V2 upon V1, वैसे दिख रहा है भी कम वॉल्यूम है यार, ये कम होगा, सॉलिड है ना, लेस देन वन, V2 इज लेस देन वन। तो ऊपर तैरने पे जब बोर्ड के सारे तैर रहा था तब ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करवा रहा था कौन, V1, और जब खुद डूब गया तो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करवाया, तो इसलिए ओवरऑल लेवल फॉल हो गया। तो ये अपने आप करना है। सेम क्वेश्चन है कि आइस के अंदर नेल है राइट, तो पहले मैं आपको आइस वाला करा दूं। अच्छा दूसरे केस में क्या होना था, अगर कॉर्क होता, कॉर्क यहां फ्लोट करता रहता, तो पहले भी फ्लोट कर रहा था बाद में भी फ्लोट कर रहा है,
तो पहले भी अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस करा है, बाद में भी तो नो चेंज। Ice floating on water. अब सभी जानते हो density of ice, yes, is less than density of water. नहीं नहीं बात याद रखो, वही water होता है, वही जब ठंडा होता है ice बनता है तो फैल जाता है ना, उससे पहले फैलना शुरू होता है, लेकिन वही ice की density कम होगी, वही ice जब melt हो जाए तो दोबारा क्या बन गई, water ही बन जाएगी। ये आपका दिमाग क्यों खराब किया मैंने सोचना आपने अभी आप। तो क्वेश्चन पता क्या है कि एक तो ये क्वेश्चन होता है आइस ऐसे तैर रही होती है, उसकी फ्रैक्शन ये वाटर है ये आइस है, तो राइट। अब यहां पे हमारे पास इस आइस का कोई ना कोई मास होगा बच्चों, नेम क्या होगा, मास ऑफ आइस, राइट। तो मैंने वॉल्यूम नहीं लिया इसका, अगर एम मास ऑफ आइस है तो नीचे एम जी लग रहा है, राइट। तो अब जो ऊपर को जो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है ये वाला, ऐसे मैं वी वन कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो क्या आएगा वी वन, यहां डेंसिटी किसकी चल रही है, रो एल की, वाटर की, इज इक्वल टू व्हाट, एम जी, वी वन इज एम अपॉन रो वाटर, ये क्लियर है। तो m अभी हमने क्या लिया, मास ऑफ आइस, अगर ये आइस मेल्ट हो जाए तो वाटर कितना बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है पहले, तो व्हाट विल हैपन इफ आइस मेल्ट्स, द लेवल विल नो चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, बताओ जी पहले आंसर दो, इफ आइस मेल्ट्स देना जरूरी है, चेक करो तो ठीक दो बाद में, इफ आइस मेल्ट्स द लेवल विल इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, ये सचिन बेटा आप भी, नो चेंज है आंसर इसका, अगेन याद करो मैं बता रहा हूं। रीजन पता क्या है, इसमें ना थोड़ी सी वो होता ना ट्रिक लग गया, नेचर ने ट्रिक लगा दिया, आइस देखने को बड़ी लग रही है ना लेकिन वाटर बन के कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आना होगी कॉन्ट्रैक्ट ना, ये तो पता है ना आपको कि दैट इज 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो व्हाट हैपेंड हियर, स्लो कर रहा हूं, मास ऑफ आइस पता है, कोई ट्रिक नहीं है यहां पे, एम जी लग गया और वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ जो वाटर का होना था ये आ गया। अब आपने कहना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, मेल्टिंग होगी ना, ऑन मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, अब वो आइस नहीं रही ना, क्या बन गया वो बोलो, वाटर। अच्छा वाटर का मास कितना है, जितना आइस का मास था उतना ही वाटर बनेगा, लेकिन अब वो वाटर बन चुका आइस नहीं रहा तो इसकी डेंसिटी कितनी हो चुकी है वाटर वाली, इसलिए रो वाटर। तो जब तैर के जितना डिस्प्लेस करा रहा था अपने मास के अकॉर्डिंगली और मेल्ट होने पे खुद बन गया वाटर, तो इसलिए उतना ही वॉल्यूम बना, उससे फालतू नहीं बना, बल्कि ये वाला वॉल्यूम मान लो दैट इज कंप्रेस होके इसी के अंदर ही आ गया, देखा नहीं है। तो याद करना है अगर आइस वाटर पे फ्लोट कर रही है तो नो चेंज, तो क्योंकि काफी देर हो गई है लगातार मैं बोल रहा हूँ,
यहाँ स्लो डाउन करो अपने आप को, तू पानी है पानी पियो, कि अब ना आइस फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड पे जो वाटर से ज्यादा डेंस है। ऑन मेल्टिंग लेवल विल, सोच के आराम से बता रहा हूँ, आंसर जरूर देना ठीक है, चाहे गलत हो उसको ठीक करेंगे, फिर सारे केस में निकला देना यार। तो कंफ्यूजिंग है, इससे परेशान नहीं होना एक बार में कि हाँ भाई ये पूरा नहीं समझ आया, ये चीजें होती हैं तो उनको हमें करना ही करना है। गुड गर्ल अश्नीत बेटा, आप भी सोचो, जरूरी नहीं जो आंसर दमन ने दिया वही देना है, तो आपको जो लगे आपने वो देना है, अगर मैं कह भी दूं कि दमन का सही है तो भी। अरे चला मेरे साथ आ, इधर आओ। अब जो आइस तैर रही है वो किसमें तैर रही है, लिक्विड में, लिक्विड में। तो उसने इतना भी आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब पूरा उसको समझ नहीं आया, तो बड़ी अच्छी बात है, ये पता होना भी समझ नहीं आया, दैट्स गुड। तो इस पे आओ मेरे साथ, अब आइस को मैंने ले आया, सर मेरा ये आया कि जो V1/V2 की रेशो होगी वो 1 से कम होगी। हाँ तो बी टू बिल्कुल ठीक है, तो बी टू बढ़ गया ना तेरा, तो हाँ जी इंक्रीज सर, गुड, ठीक है ना, बी टू ज्यादा हाँ आया तो जी, इट मीन ज्यादा वॉल्यूम बन गया, यस, जब तैयार केस कम करवाया तो गुड है, बस फिर मैं जीत गया, क्या देना यस और क्या, मैं बच्चों को समझ आ गया तो होना चाहिए। अब तो ये वी वन हमने बनाया एम अपॉन रो एल, वी टू बनाया एम अपॉन रो डब्ल्यू, तो यहां पे हमने इसको वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू रो एल अपॉन रो डब्ल्यू विच इज ग्रेटर देन 1, ये दोनों तरफ हो जाएगा ठीक है। इससे अगर अपोजिट क्वेश्चन होता तो भी कर लोगे तो फॉल ठीक है, रो एल ग्रेटर देन रो डब्ल्यू है तो नहीं नहीं सॉरी क्या बोल रहे हैं, राइस रो एल ग्रेटर देन रो डब्ल्यू होता तो क्या होता, आज के लिए बच्चों इतना ही, तो मैं आपसे जल्द, आप अपने लेवल पे प्लीज एक आध दिन मेरे से कोई कॉपरेट कर रहे हो, जो भी बुक्स हैं जो भी आपकी वो आई क्वेस्ट वगैरह की वो टॉपिक खोलो क्वेश्चंस को करो, ये तो होंगे पक्का, ये तो डेफिनेटली है, ये हर बुक में होते हैं ठीक है। यस सर बोलो, आ जाओ माइक्रोफोन ऑन करो, तो यस सर, ये यस, तो जो एक्सेलरेटर वाले हैं, तो पहली बात तो एक्सेलरेटर लिक्विड वाले जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना मैंने आपको डाल दिए हैं, लेकिन कुछ और भी वो एज ए फॉर्मेलिटी मैं आपको दे दूंगा, तो ये वाले तो रिवाइज कर ही दो। तो टेस्ट का फंडा अभी मैं ब्रेकअप कर लेते हैं, ये फ्लूइड स्टैटिक्स सरफेस टेंशन अलग चीज है, तो प्रेशर और इसका टेस्ट बनता है, ये जो आज हमने किया ना अलग से, ओके, सरफेस टेंशन अलग से करेंगे हम, विस्कोसिटी का अलग से करेंगे टेस्ट, और बर्नौलीज प्रिंसिपल का अलग से करेंगे, तो ओके सर, इसका टेस्ट कब देना है, जो कल और आज परसों और आज तक हो चुका है ये मुझे आप बता देना ठीक है, दोनों आपस में डिस्कस करके, ठीक कल दे देंगे। दमन बोलो मेरे हिसाब से परसों दो, कल मैं आपको अगला बताऊं, तो कल आज आप तैयारी करो, कल डाउट पूछो कुछ और भी बातें क्वेश्चंस करोगे तो परसों दो।
ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस आप भेज नहीं सकते? मैं भेज सकता हूँ बेटा, आज बस मैं एक राइटिंग का काम, मैं बिल्कुल तो आज बैठ नहीं पाया, मुझे ना वो एक बुक लिख रहा हूँ मैं, उसकी वजह से इसी के इसके यस सर, चलो मैं करता हूँ, ठीक, ओके बाय सर, थैंक यू सर।